नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है बट जुगाड़। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अगर मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हो, डेली देखते हो या मेरी वीडियोस को वॉच करते हो, तो आपको पता ही होगा कि मेरी वीडियोस के टॉपिक किस बेस पर होते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ईपीएफओ के ऊपर ही है, ईपीएफ की कंप्लेंट्स के ऊपर है कि अगर आपको ईपीएफ के रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसकी जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा हुआ है कि ईपीएफओ का जो मेंबर होता है उसको ये पता ही नहीं होता कि अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है ईपीएफओ को रिलेटेड, तो वो कहाँ पर कांटेक्ट करे, कहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करे। और इन केस अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे कि हमें कई बार विड्रॉल करना होता है तो हमें जो क्लेम फॉर्म पे साइन चाहिए होते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है वो मना कर देता है या ईपीएफओ ऑफिस से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन पर हम कहाँ पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उसी चीज़ के बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पे हिट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर और आपके पीसी पर बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट ओपन कर लेनी है जिसका नाम है EPFIGMS। जैसा कि डेस्कटॉप पर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर देखिए EPFIGMS.gov.in। ये EPFO इंडिया की कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी जो कंप्लेंट को का रिमाइंडर है वो दोबारा से दे सकते हैं अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता या कोई रिप्लाई नहीं आता है, और आप अपनी जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस जान सकते हैं अपनी कंप्लेंट का। और इसके साथ आपको मिलता है पासवर्ड जिससे आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन या साइन इन करके आप पूरा पूरा नॉलेज यहां से ले सकते हो अपनी ईपीएफ के रिलेटेड। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं, बहुत सारी मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आते हैं कि सर क्लेम सेटल्ड हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो मेरी पेमेंट है वो एक महीना हो जाने के बाद भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है। और कहीं कहीं मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जहाँ पर ये टाइमिंग है वो 3-3 महीनों की होती है कि क्लेम सेटल्ड हुए 3 महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो पैसा है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रहा है, KYC अप्रूव नहीं हो रही है, एम्प्लॉयर आपके साथ जो मतलब आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर वो आप उससे कुछ भी सिग्नेचर करवाने जाते हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो तो वो मना कर देता है, या ईपीएफओ ऑफिस वाले आपसे मिसबिहेव करते हैं, या उनके थ्रू भी अगर आपकी समस्या का हल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में आप EPFIGMS.gov.in पर अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसका जो रिप्लाई है वो बहुत ही जल्दी within 1 week के अंदर अंदर आपको पर्टिकुलर जो आपके अंदर जो आपके पीएफ अकाउंट में जो प्रॉब्लम होगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रिप्लाई आपको आ जाएगा कि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम है और इस वजह से आपका जो पीएफ है वो रुका हुआ है, या इस वजह से आपकी जो ईपीएफ के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए, तो देखिए सबसे पहले आपने EPFIGMS.gov.in को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर ग्रीवांस लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस वेबसाइट को सॉरी, ये काफी देर से ओपन की हुई है, इसको मैं दोबारा ओपन करके देखता हूँ। EPFIGMS.gov.in आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है अपने पीसी में। ये फॉर्म खुल गया, पुराने वाले को बंद कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, जब ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ऐसा खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिटेल्स है वो फिल करनी है आपने अपने पीएफ अकाउंट के रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए प्लीज सिलेक्ट स्टेटस, आप पीएफ मेंबर हो या ईपीएस पेंशनर हो। अगर आप पेंशनर हो तब भी आप इस पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। इनफैक्ट कि अगर आप एक एम्प्लॉयर हो तो एम्प्लॉयर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी पीएफ के रिलेटेड, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में कि उनका पीएफ डिडक्ट नहीं हो रहा है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉयर भी यहाँ से अपनी जो कंप्लेंट है वो सीधा सीधा अपने ईपीएफओ ऑफिस में रजिस्टर करवा सकता है। यहाँ पर आपने अगर आप पीएफ मेंबर हो तो आपने यहाँ पर पीएफ मेंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मतलब कि यूएन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यूएन नंबर एंटर करने के बाद आपने अपना जो पीएफ नंबर है वो जरूर यहाँ पर एंटर करना है। तो पीएफ नंबर के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन कोड, ऑफिस कोड, एस्टेब्लिशमेंट कोड, एक्सटेंशन और अकाउंट नंबर।
अगर आप एक पीएफ होल्डर हो और आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर आपका पीएफ नंबर भी मेंशन किया गया होता तो उसको भी आपने यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने अपना जो पीएफ का रिलेटेड ऑफिस है वो फिल करना है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो अगर जब आप अपना यूएन नंबर और अपना पीएफ नंबर डालोगे तो ये जो डिटेल है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगी, इसको आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर नेम ऑफ कंप्लेंट, अगर आप खुद से कंप्लेंट कर रहे हो जैसे कि आपका पीएफ अकाउंट है और आप खुद ऑनलाइन बैठकर अपनी जो प्रॉब्लम है वो ईपीएफ ऑफिस में रजिस्टर करवा रहे हो तो यहाँ पर आपने अपना नाम देना है। अगर इज द कंप्लेंटेंट एंड सब्सक्राइबर द सेम एज द पर्सन तो यहाँ आपने यस करना है। अगर किसी और के थ्रू करवा रहे हो तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू हैव पासवर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे मोबाइल में लॉगिन और साइन अप करना चाहते हो तो उस कंडीशन में अगर आपको पासवर्ड की ज़रूरत है कि आपकी जो ये ग्रीवांस का जो फॉर्म है ये कोई और ओपन करके ना देखे, जब आप चाहो तभी आप इसको ओपन करके देख सकते हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पर आपने अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, पिन कोड एंटर करनी है, कंट्री एंटर करनी है, स्टेट जिस स्टेट में आप रहते हो, आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फोन नंबर अगर है फोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी जरूर एंटर कीजिए यहाँ पर, और ग्रीवांस कैटेगरी। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी में आपको हर एक, मेरे जो रेगुलर व्यूअर है मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट मुझे आते हैं, और यहाँ पर देखिए अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्रीवांस कैटेगरी, यहाँ पर आप फाइनल सेटलमेंट के लिए रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। फॉर्म 13 के अगर रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आ रहा है, ट्रांसफ़र के रिलेटेड इशू आ रहा है, अगर आप अपना पीएफ जो है ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको 10C का जो स्कीम चाहिए, स्कीम सर्टिफिकेट, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी यहाँ। सेटलमेंट ऑफ पेंशन, अगर आप पेंशन के लिए सेटलमेंट के लिए अगर आप इस कंडीशन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। पीएफ स्लिप या पीएफ बैलेंस अगर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट, अगर आपको जो ईपीएफओ का इंश्योरेंस होता है जो आपको डेथ या किसी और कंडीशन में मिलता है तो अगर उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको भी यहाँ पर टिक कर सकते हो। और चेक रिटर्न और मिसप्लेस्ड, और अगर आपको पीएफ की तरफ से पेमेंट आई है और वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई लेकिन उनके पोर्टल पे शो कर रही है कि ये पेमेंट बाय नेफ्ट आपके अकाउंट में भेज दी गई है तो इस कंडीशन में आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने अपनी जो पूरी जो कहानी है, पूरी जो स्टोरी है कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे आपने अप्लाई किया और उसके बाद क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, वो सारी प्रॉब्लम आपने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देनी है। मतलब उनको पूरा का पूरा आपने अपनी जो कहानी है वो बता देनी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरी जो पेमेंट है इस करके रुकी है या मेरा KYC प्रूव नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपलोड फाइल की ऑप्शन आ रही है, जहाँ पर आप अपनी अटैचमेंट, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है या पीएफ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑफ साइज अप टू 1 MB, 1 MB की जो पीडीएफ की जो अटैचमेंट है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ब्राउज बटन, अटैच बटन सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आप सिर्फ पीडीएफ जो है वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन किया हुआ, देखिए नोट दिया हुआ अलग से, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अलग से भी अटैचमेंट दे सकते हो। और यहाँ पर देखिए आपने कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो रिलेटेड ईपीएफओ ऑफिस का होगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से आप अपनी जो क्लेम का जो है अपनी कंप्लेंट है वो ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और अगर उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ सेंड रिमाइंडर पर करेंगे तो आपने जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो वो आपने यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालना है, अगर आपके पास पासवर्ड के लिए अगर आपने यस किया था तो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए। कैप्चा डालने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप दोबारा से उनको प्रॉब्लम जो है वो रिमाइंड करवा सकते हो। अगर आपने स्टेटस चेक करना है तो वहाँ पर भी आपसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर जो रजिस्ट्रेशन नंबर से है वो पोर्टल में लॉगिन करना होगा, पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद कैप्चा डाल के आपने अपने जो क्लेम का स्टेटस है, जो आपका कंप्लेंट का स्टेटस है वो बड़ी ही आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी बेनिफिट मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।